नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। आज बात सत्ता की भड़ास पर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, हिंदी की इस कहावत को आपने खूब सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में यह कहावत सच होती नजर आ रही है। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस नेता कर्मचारियों और अफसरों पर अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेस के नेता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। 7 अगस्त को जहां छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक सुनील उइके तहसीलदार को बाबू बनाकर रखने की धमकी देते नजर आए, और अब श्योपुर जिले के कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल ने तहसीलदार को खूब खरी घोटी सुनाई। विधायक तहसीलदार को ऐसे धमका रहे थे जैसे वो होश हवास खो बैठे हों। हालांकि कांग्रेस विधायक के इस वार्तालाप की बीजेपी ने निंदा की है, तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता का सुख कांग्रेस 15 महीने भी नहीं भोग पाई और एक बार फिर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के मन में सत्ता का गुमान जाने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के विधायक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो अब भी सत्ता में बैठे हों। कांग्रेस के विधायकों के शब्दों से ऐसा पता चलता है कि मानो वो अधिकारियों को इज्जत देना भूल गए हैं। बीते 7 अगस्त को अन्न उत्सव कार्यक्रम में नहीं बुलाने से नाराज कांग्रेस विधायक सुनील उइके तहसीलदार पर भड़क पड़े। उन्होंने तहसीलदार मनोज चौरसिया को खुलेआम धमकियां दी और श्योपुर जिले में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल बाढ़ पीड़ितों को अनाज मिलने पर तहसीलदार पर भड़क गए और एक अफसर से वो तू तड़ाक वाली भाषा में उतर आए। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने तहसीलदार को खूब खरी खोटी भी सुनाई। साथ ही बीजेपी के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का भी आरोप लगाया है। समय आएगा 10 महीने 12 महीने बाद अगर परिस्थिति बदलेगी तो 62 साल की उम्र तक नौकरी करना है, बुलवा के नौकरी कराऊंगा, ये ध्यान रखना, बाबू बना के रखूंगा। इतने दबाव में आके काम मत, बीजेपी के एजेंट की तरह काम मत करो आप लोग। नोडल अभी जो कचरे हैं, जैसे वो गंजा था एसडीएम, वो के वही कचरा तू है। इस शोपुर को बड़ौदा गंदा करेगा, ट्रांसफर करवाओ। ये ट्रांसफर नहीं है, ये लाइक ही नहीं है। तहसीलदार लाइक नहीं है तू, क्यों कम बता रहा था मोबाइल में सीधा आगे। तुम जैसे लाइक कैसे बोल दिया कि आटा बन चुका, जैसे चार लाइक नहीं है, भ्रष्टाचार हो जाएगा। बच्चे की तरह तू गंदा है, कमती आटा नहीं, भ्रष्टाचार बचाता पैसे से काम करता है ना। वो तो बार बार कह रहा सरकार सरकार सरकार, क्या होती सरकार, सरकार की नोट देता है, ट्रांसफर को देख रहा है, तो ट्रांसफर को देख रहा है, नेता कहता ट्रांसफर करा दे, उसे देख रहा है। कांग्रेस विधायक तहसीलदार पर 500-500 रुपए में बिकने का आरोप लगाते रहे, तो तहसीलदार विधायक के सामने सफाई देते नजर आए। हालांकि तहसीलदार की सफाई के बाद तो विधायक का पारा और चढ़ गया। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता जहां जंडेल का समर्थन करते नजर आए हैं, तो वहीं बीजेपी ने जंडेल पर हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबू जंडेल जो है बड़े सीधे साधे विधायक और एक आदिवासी वर्ग से आते हैं। श्योपुर की जो हालत है उनके क्षेत्र की, बाढ़ के अंदर के अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंची, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। हमने विधानसभा में भी देखा कि विरोध स्वरूप उन्होंने अपने कपड़े तक उतार दिए, तो निश्चित तौर पे एक जनप्रतिनिधि की पीड़ा, उसके क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, उन्हें राहत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं पीड़ा के अंदर व्यक्ति आक्रोशित में कुछ शब्द मुँह से निकल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति नहीं, भले व्यक्ति हैं, सहज सरल व्यक्ति हैं। यदि उन्होंने जो भी कहा होगा उसका आशय यह नहीं होगा, निश्चित तौर पर एक जनता के दुख को देख के एक आक्रोश निकला होगा क्षणिक, लेकिन हम उनके विचारों से सहमत नहीं और वो खुद भी अपने विचारों से सहमत नहीं होंगे। आक्रोश में भी उन्होंने कुछ भी कह दिया होगा, लेकिन भावना उनकी कुछ और होगी, जनता के सुख दर्द को बांटने की होगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो पाप किए थे, उनको लगता है कि सब ऐसा ही करते हैं। राजगढ़ की घटना कोई भूल नहीं सकता, जब कमलनाथ के इशारे पर उन कार्यकर्ताओं को जो तिरंगा लेकर उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई, दमन किया गया, सारा का सारा काम कमलनाथ के इशारे पर हुआ, दिग्विजय सिंह के इशारे पर हुआ। तो कमलनाथ को वही सावन का अंधा कमलनाथ आज भी है, उनको यही लगता है। उसने एक दिन कहा कि जो आदिवासी हैं उनको पैसा मत देना मकान का, नहीं तो वे दारू पी जाएंगे, ये अपमान है जनजाति समाज का। और फिर से उसने तहसीलदार के विरुद्ध इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें की हैं, ये सहन नहीं की जा सकती। डेमोक्रेसी का ये तरीका नहीं है काम करने का। कांग्रेस को और कमलनाथ को विशेष रूप से अपने विधायक के इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगना चाहिए।
अधिकारियों को धमकी देने का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कभी कांग्रेस के नेता पुलिस अफसरों को देख लेने की धमकी देते नजर आ चुके हैं, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वतखोर कहते नजर आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब कांग्रेस विधायक या नेताओं के मन से सत्ता का गुमान हटेगा और वो अधिकारियों से बात करने का तरीका सीखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस में ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने अधिकारियों से अभद्रता की। इससे पहले जनवरी में रतलाम जिले के स्थानीय विधायक हर्ष विजय गहलोत महिला एसडीएम कामनी ठाकुर को धमकाते नजर आए थे, तो 28 मार्च को उज्जैन में कांग्रेस विधायक के बेटे ने फोन पर महिला पटवारी को धमकी दी थी और भूमाफियाओं की वकालत की थी। तो आखिर क्यों कांग्रेस विधायक और नेता अधिकारियों और कर्मचारियों को धमका रहे हैं? क्या ये सत्ता जाने की भड़ास है या फिर कुछ और वजह है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता दिव्या गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिवार और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। शुरुआत शुक्ला जी आपसे ही करते हैं, क्या वजह है कि चाहे इस पक्ष के नेता हों चाहे उस पक्ष के नेता हों, पक्ष विपक्ष भाषा थोड़ी अनियंत्रित होती जा रही है, क्या ये आक्रोश व्यक्त करने का तरीका है या कोई और वजह है? नहीं, इसकी वजह दूसरी है जी। वास्तव में दोनों एक दूसरे की हकीकत को जानते हैं। नेता ये जानते हैं कि अधिकारी लोक सेवक नहीं है और लोक सेवक ये जानता है कि ये जनसेवक नहीं है जी। और दोनों का जो मकसद है वो जनता भी जानती है कि इन दोनों का मकसद क्या है। तो कुल मिला के जो बात मैं इशारों से कह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे होंगे। न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। जब घर बनने के लिए राजनीति होगी तो स्वाभाविक है अधिकारी भी समझते हैं कि ये नेता लोग क्या है, इनका मकसद क्या है, कितने जायज नाजायज काम अधिकारियों करने पड़ते हैं जब नेताजी का फोन आता है। बला को छोड़ दे, अशोक गुप्ता जी ने एक बार कहा था, इस बात को स्वीकार किया था कि कई बार उन्हें ये फोन करना पड़ता है। आकाश विजय वर्गीय जो विजय वर्गीय के सुपुत्र हैं वो डंडा बल्ला लेके दौड़े थे किसी अधिकारी को मारने के लिए। तो इनका सबका चरित्र एक जैसा ही है और जब ये मुझे पता होता है कि सामने वाला भी उसी स्तर का व्यक्ति है जिस स्तर का मैं, तो काहे का सम्मान और काहे के लिहाज। तो अब राजनीति में ना कोई किसी का लिहाज कर रहा है, अधिकारी भी किसी का लिहाज नहीं करते। नेताओं के बीच में आप देखिए कैसी शैली चलती है, कोई किसी को गद्दार कहेगा, कोई किसी को पुच्चा कहेगा, कोई खुद का साधुगर कहेगा, मतलब भाषा की मर्यादा दोनों गवा चुके हैं। शुक्ला जी, जो आकाश विजयवर्गीय का मामला है उसमें प्रधानमंत्री मोदी तक ने जताया था, खेद जताया था और नाराजगी व्यक्त की थी, पार्टी ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे हाल है, पैर भी कर रही है कांग्रेस उनकी। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से तो होना चाहिए कि किसी ने गलत बोला है, आप माफी मांगिए और हम इनके साथ नहीं इस बात पे। चाहे नारायण राणे वाला मामला हो, आप देखिए वहां भाजपा ने किनारा कर लिया। तो कहीं बढ़ावा देने की संस्कृति तो नहीं देखते आप, बड़े नेताओं की गलतियां हैं? जो बयान सूट नहीं करता है पार्टी को, पार्टी उसे किनारा कर लेती है। लेकिन वहां पे आप देखिए जो वो है देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि जो थप्पड़ मारने की बात तथाकथित रूप से राणे उन्होंने कही है वो गलत कही है। जो बयान उनको सूट नहीं करता उसे किनारा कर लेते। और जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में कहीं कोई अनुशासन नाम की चीज तो अब रही नहीं गई है। कांग्रेस ही नहीं बची है जब पार्टी का संगठन नहीं बचा है, पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मुखिया नहीं है जिनको संभाले का कौन, आप ये बताइए। सब अपनी अपनी राह चल रहे हैं, अगर अनुशासन होता तो क्या सिंधिया भाग जाते? नहीं भाग पाते वो, तो वो स्थिति तो कांग्रेस की नहीं। तो कांग्रेस के बारे में आप ये न कहें और न कांग्रेस से आप ये अपेक्षा रखें कि नीचे का कोई कार्यकर्ता गलती करेगा, विधायक गलती करेगा तो कमलनाथ जी उसको सुधारेंगे या समझाएंगे। मिथुन जी, आपके यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है? कमलनाथ जी की खुद आज भाषा ऐसी देख सुनने में आई है, उन्होंने कहा है कि 2 साल बचे हैं, सुधर जाइए आप कर्मचारी अधिकारियों से, इसके बाद हम आपको देख लेंगे। तो जब नेता ही ऐसी भाषा बोलेगा तो उसके अधीनस्थ तो विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि बोलेंगे। नमस्कार, आपको आवाज मिल रही आ रही है? मिथुन जी बोलिए। बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है और हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो राजनीति में जो भाषा का स्तर है वो दिन ब दिन गिरता क्यों जा रहा है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि भाषा तब समृद्ध होती है जब सत्ता पक्ष से
बाकी संस्थानों को इज्जत मिलती है। अभी आपने बाइट सुना है लोकेंद्र पराशर जी की, इनके मीडिया के प्रभारी हैं, कमलनाथ 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 इतनी देर से वो कर रहे हैं, ये नहीं कि इज्जत से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का वो यदि नाम लेते तो हमें भी इच्छा होती कि शिवराज जी के आगे, खैर हम तो लगाते ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की भी सीख लेने की जरूरत है। नहीं आप तो ओसामा जी को भी लगा देते हैं, ओसामा को भी जी लगा देते हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी लगा देते हैं, अमित शाह जी भी जिन्ना जी बोल देते हैं साहब, तो ये एक तरफा अगर कांग्रेस के बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा अन्याय है। तो बात दरअसल जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी भाषा कुछ और हो सकती थी, कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक तंत्र चल रहा है, एक लूट तंत्र है, जिसके तहत बिना पैसे दिए और महंगाई के अनुपात में रिश्वत दिए बिना आपके काम नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह जी ने ये बात कही थी कि भोपाल एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भोपाल एम्स को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ये मेरी तरफ से बात नहीं आ रही, इनकी तरफ से आ रही है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी कह चुके हैं, लेकिन वो डायरेक्टर साहब ने नोटिस भी दिया है, लटकाना पड़ेगा के प्रमाण दें, डायरेक्टर साहब ने नोटिस भी दिया है। तो भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे सतही ना लगाए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किसी पर किसी के आरोप लगाए, यदि आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाकी बातों से भी इत्तेफाक रखें तो फिर इससे भी रख लेते हैं। उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है महंगाई, ये बहुत स्वाभाविक है कि वो जिस पार्टी के विरोध में उसके खिलाफ बातें बोले, लेकिन वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर बोलने लगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होती है, यदि नहीं है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे उनकी जो पार्टी है। मैं बड़े गंभीर विषय पर आना चाहता हूँ कि राजनीति में चाहे शाब्दिक हिंसा हो चाहे शारीरिक हिंसा हो, दोनों का पतन का समय आ चुका है। लोग आज दुनिया भर में आपको देखते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता हमें थाने में जाकर के पुलिस वालों को मारते दिखाई देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के मद में जिनके प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत हो गए इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा, वो जाकर के एक टोल नाके पर थाने वाले को, तो मिथुन जी ये तो वैसा ही हुआ ना कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, आप तो नजीर पेश कर सकते हो, आप तो गांधी के अनुयायी वाली पार्टी के हो, आप उनकी गलतियां गिना रहे हो उनकी, हाँ चलिए उनने की तो आप भी वही करेंगे, क्या उन्होंने की तो मैं भी करूंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो भाषा है उनकी नहीं होनी चाहिए थी, इस भाषा के हम समर्थक नहीं है, लेकिन रीवा जिले के त्योंथर के विधायक इनके द्विवेदी जी वो जाकर के उनका एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति? मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी मर्यादा को लांघ देते हैं, उस मर्यादा को नहीं लांघा जाना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में होता है जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है कि अपने अधिकारियों को आप लोग सिखा करके रखें। ऐसा कैसे हो जाता है कि भोपाल में प्रदर्शन के दौरान एक अधिकारी दिग्विजय सिंह जी जो कि एक सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री है उनको हड़का करके कहते हैं कि आप पर हम नजर रखे हुए हैं, आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे? ये जो भावना भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के अंदर भर दी है जो भारतीय जनता पार्टी, इसमें अभद्रता कहां आ गई? जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि यदि आपने यहाँ बना या औद्योगिक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने कहा था डीआईजी ने कि हम कानून, आप लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आप पे नजर रखेंगे, तो इसमें अभद्रता कहां से आ गई? नजर रखना कोई गलत बात है क्या? अभद्रता नहीं कह रहा हूं चौधरी साहब, इस अंदाज को आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि आईपीएस लेवल का अधिकारी किस अंदाज में वो बात कह रहा था और उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। शुक्ला जी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, इनका बड़ा मैं सम्मान करता हूं, वो भी इस अंदाज को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपका पसंदीदा अधिकारी है वो, आप ही पदस्थ किया था आपने, दिव्या जी के पास आ जाते हैं, दिव्या जी आपके यहाँ अनुशासन है निश्चित तौर पर, चाल चेहरे चरित्र की बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ से भी ऐसी आवाजें उठती हैं जिस तरह से मिथुन जी आरोप लगा रहे हैं। दिव्या जी तकनीकी कारणों से शायद दिव्या जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। हाँ मिथुन जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा था कि देखिए पदस्थ होने की जहां तक बात है, इनकी रिक्रूटमेंट के लिए एक एजेंसी बनती है, इनकी ट्रेनिंग के लिए एक एजेंसी बनती है, लेकिन जब ये शासन करने आते हैं तो सत्ता के अंडर में शासन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो 17 साल का शासन काल है उसमें एक विचारधारा अधिकारियों की, सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा बना दी गई है कि कांग्रेस के खिलाफ आपको काम करना है, जनता के खिलाफ आपको काम करना है। जो जंदील साहब जो बात कह रहे थे वो यही है कि शिवराज सिंह जी जिस बात का वादा करते हैं, जिस बात का वो शेयर लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उनके राज्य में कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा डिलीवरी सिस्टम है कि लोगों को राहत पहुंच रही है, यदि तहसीलदार वो राहत नहीं दे पा रहा है तो क्या एक विधायक को अधिकार नहीं है कि उन लोगों को ले जाकर के उसके सामने बताएं कि आप लोग जनता के साथ, एक तो आप उनको सर्विस, लेकिन भाषा का तो संयम रहना चाहिए मिथुन जी, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं, आपका अधिकार है आपको सवाल करने का। शुक्ला जी
क्या ये भाषा ठीक है या अधिकारियों की तरफ से तो ऐसा कोई वार्ता पाया नहीं है कि उन्होंने कोई बदतमीजी की हो, ऐसा कोई वीडियो में नहीं आया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सलूजा जी उनकी पैरवी करते दिख रहे हैं, तो ये पैरवी करने की पद्धति के कारण इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं अभद्रता जो है या अमर्यादित जो व्यवहार होनी चाहिए और ना ही उसकी सराहना होनी चाहिए। और वचन किन दरिद्रम, मतलब वचन से क्यों दरिद्र हो, ये तो हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है, ये सूखी बात है कि हम लोगों को वाणी का संयम बरतना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, लगातार वाणी का संयम गिरा है, वो राजनीति क्षेत्र हो या सामान्य क्षेत्र हो, घर में परिवार में भी आप देखिए तो भाषा जो है मर्यादित नहीं रह गई है। और ये इसकी वजह क्या है, अब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें कोई अच्छा जो समाजशास्त्री होगा वही बता पाएगा कि समाज जो है इस तरह की भाषा का अनुसरण क्यों कर रहा है, क्यों हम लोग की बोली जो है इतनी खराब हो गई है। दिव्या जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, अशोक जी हुआ करता है, उनसे भी सवाल ले लेता हूं। दिव्या जी, आपने शायद मिथुन जी को नहीं सुना होगा, वो आरोप लगा रहे थे कि आपके यहाँ के लोगों के बारे में भी, और अभी आपके मीडिया प्रभारी ने जिस तरह से बयान दिया उस पर भी कि कमलनाथ जी किस तरह बोले। आपकी पार्टी तो चाल चरित चेहरे की बात करती, फिर आपके यहाँ से इस तरह के वक्तव्य कैसे आते हैं सामने? पहले मेरे ख्याल है हमारे यहाँ के वक्तव्य के बजाय हम इस बात पर चर्चा कर ले कि वो कांग्रेस का क्या चरित्र है। और कांग्रेस का चरित्र मुझे लगता है शुरू से ही, क्योंकि सत्ता में रहने का एक अभिमान और घमंड जो आता है जी, उसकी बहुत बारीक एक रेखा होती है, उस रेखा को लांघना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब जबान फिसलती है तो जबान में ऐसा कहा जाता है कि जबान में हड्डी नहीं होती और वो कहीं भी किसी भी तरह से फिसल दी जाती है। तो वो फिसलती हुई जबान एक अभिमान का द्योतक है, घमंड का द्योतक है, और जो गुरूर होता है वो बहुत सर चढ़ के बोलता है। तो एक सत्ता की लोलुपता के कारण भी हो सकता है और एक भड़ास का भी हो सकता है। तो आपने जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था कि रस्सी जल गई बल न गया, तो ये वही उदाहरण है। और वो आदतें जाती नहीं है, ऐसे कहते हैं कि आदतें शुमार हो जाती हैं आपकी पर्सनालिटी में और वो जाने में बहुत समय लगता है, और कभी कभी आपका ये सारा घमंड जो होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। और कहते हैं कि मुश्किल समय में ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति की क्या भाषा है, क्या संयम है, क्या शब्दों का प्रयोग है। इन सब चीजों का जब तक आपके उस पर संयम ना हो तब तक पॉसिबल नहीं होता है कि आप, और आप पब्लिक फिगर हैं, मतलब आप लोगों के बीच में रहना उठना है आपका, और वो सरकारी अफसर हैं, जो सरकारी अफसर आपका मुलाजिम नहीं है और वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपका काम होना बहुत जरूरी है। और जब आप पब्लिक में रहते हैं तो कम से कम आप एक उदाहरणीय आपका चरित्र होना चाहिए ताकि सब लोग आपकी भाषा समझे, सुने, देखें, आपके व्यवहार को देखें, तभी तो आपका अनुसरण कर सकेंगे। अगर आप लीडर हैं और आप इस तरह की अभद्रता व्यवहार करेंगे सबके बीच में तो आपका अनुसरण कैसे करेंगे लोग? यानी आप जो व्यवहार करेंगे इसका मतलब आपके नीचे वाला वही सीखेगा। ऐसा एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे जो होते हैं वो खूह की तरह होते हैं, खूह यानी कुआ। तो यानी आप जो उनको सिखाएंगे, जिस तरह से उनको सिखाएंगे, उसी तरह से वो भाषा और वो व्यवहार वो सीखते हुए बड़े होते हैं। एक तरह से तो लीडर की भाषा बोल रहे हैं, जैसा लीडर बोलेगा वैसे नीचे वाले बोलेंगे। तो बहुत कुछ होता है जो एक लीडर को अपने संयम के साथ बरतते हुए आगे चलना पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक में हैं। तो ये बातें जो है ये सीखने लायक बातें होती है। चलिए, और ये सीख मुझे नहीं देनी चाहिए। मिथुन जी जवाब देना चाह रहे हैं। दिव्या जी, आपने उनके लीडर पे यानी कमलनाथ जी पर सारे इशारों में सवाल उठाए, उनकी भाषा शैली पर जवाब देना चाह रहे हैं मिथुन जी। बहुत अच्छी बात दिव्या जी ने कही, मुझे लगता है इस बात का अनुसरण यदि शिवराज सिंह चौहान जी भी करने लगे तो अपने सुरक्षा कर्मियों को वो थप्पड़ से नहीं मारा करेंगे। इस बात का यदि वो पालन करने लगे तो कमलनाथ जी को मक्कार जैसे शब्दों से वो अपमानित नहीं करेंगे। और अगर इस बात का पालन इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी करने लगे तो वो लोग वो ऑडियो में किसी को गाली देते हुए नहीं दिखेंगे। मैं एक बड़े डोमेन में बात करना चाह रहा था, लेकिन अब दिग्विजय जी क्योंकि इसे राजनीति से जुड़ी रही हैं और मेरी पार्टी विशेष के ऊपर ये आरोप लगा रही है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम स्तर पर है और आपकी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं। आपकी पार्टी, आप शायद सुन नहीं पाए, प्रज्ञा सिंह जी ने ये कहा था कि भोपाल एम्स के डायरेक्टर भ्रष्ट है। आपके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने ये कहा, मुद्दे से इतर चले गए हैं मिथुन जी, सचिव है उनको उल्टा लटकाना पड़ेगा। आप यदि हम भाषा शैली पे बात कर रहे हैं, यदि आप भाषा शैली पे बात करेंगे तो फिर आइटम पे भी आएंगे। खैर, दिव्या जी कुछ कहना चाहती हैं? जी दिव्या जी,
बिल्कुल आ जाएंगे और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर भी आ जाएंगे सर। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जब चारों तरफ भ्रष्टाचार है और ईमानदारी से आपकी बात को सुना नहीं जाता है, तो कैसे जी दिव्या जी, मिथुन जी, मिथुन जी, मिथुन जी, पहली बात मिथुन जी, मेरा आपसे बहुत सविनय निवेदन है, मैं सभी से एक विनम्र आग्रह करती हूँ, जब हम डिबेट पे बैठे, हम अभी चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि हम एक के भाषा शैली सही हो, और यही गड़बड़ हो जाएगी तो कैसे हम कहेंगे कि लोगों से एक भाषा शैली सही रखो। हम इतने आवेग में आ जाते हैं प्रत्यारोप लगाने में कि हम अपनी भाषा शैली स्तर सबको भूल जाते हैं। मेरे ख्याल है इस समय जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में हम एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो सकते हैं, परस्पर मुद्दों पे हमारे विचार नहीं मिले ये तय है, क्योंकि आप अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम एक वैचारिक मतभेद होने के कारण भी एक एक स्तर से नीचे उतर जाए, ये ना आपको शोभा देगा ना हमको शोभा देगा। एक बात, दूसरी बात देखिए, शिवराज जी, मुझे लगता है शिवराज जी जो बहुत सभ्य इंसान है, जिन्होंने आज दिन तक अपने इतने पूरे कार्यकाल में सबके साथ बहुत ही विनम्रता के साथ सबसे चर्चा करी है, मुश्किल से मुश्किल दौर में उन्होंने बहुत अच्छे से संयम बरता है और सब चीजों को बहुत अच्छे से वो लेते हुए आज तक लेकर आए हैं, और इतना सिंपल नहीं होता है इस मुख्यमंत्री के कांटों भरे ताज को लेकर बैठ के चलना। शायद वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं दिव्या जी और मिथुन जी कि जिन्हें रास्ते में कोई भी रोक सकता है हाथ पकड़ के। एक्चुअली वो आज भी हुआ है, आज भी यही हुआ है जब वो इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, उसके बाद जो समाज ने उनको बोला कि नहीं साहब आप रुकिए, मेरे से बात करिए, चर्चा करिए, तो वो तुरंत उतर गए, बात करी उन्होंने, जितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ समय बिताते हैं लोग, कहीं ये नहीं लगता है कि वो कहीं ये आवरण उन्होंने ओढ़ के रखा हुआ है। दिव्या जी, चूंकि समय कम है इसलिए मिथुन जी मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, क्या ये सिर्फ मीडिया में और सुर्खियों में आने के लिए नेता आजकल इस तरह की बयानबाजी करने लगे हैं, चर्चा में बने रहने के लिए? बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि उनके जो तीखे बयानबाजी होती हैं मीडिया में, वो चर्चा का विषय बनती हैं, उनको भरपूर कवरेज भी मिलता है, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल 4 लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा। एक संस्कृत का श्लोक मैं आपको बतला रहा हूँ और उसको आप देखिएगा वो किस पे लागू होता है। मुखम पदम जलाकारम वाचा चंदन शीतला हृदय दक्षिणम। ये चलते चलते एक बात आपसे और कहूंगा कि जीता जुआड़ी उदार होता है। जैसे आपने कहा ना शुरू में, आपने प्रारंभ में ये कहा कि अब सत्ता चली गई है उनकी, इसलिए वो आक्रोशित है, तो जीता जुआड़ी उदार होता है और हारा हुआ जो जुआड़ी होता है वो बहुत आक्रामक होता है। तो आप कह सकते हैं कि समय कांग्रेस आक्रामक है, क्योंकि जीती बाजी वो हार चुकी। लेकिन आक्रमण में कहीं, आक्रामक होने में कहीं संयम तो नहीं खोना चाहिए ना? एक आक्रामकता आपकी विपक्ष में हो निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं और कुछ सोचने पे मजबूर करता है कि आपकी भड़ासी है एक तरह से। आदरणीय मैं दोनों जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं ये कहूंगा कि वाणी के मामले में दोनों दरिद्र हैं, किसी ने कभी कुछ ज्यादा दरिद्रता की होगी, किसी ने कम की होगी, लेकिन वाणी का संयम दोनों खो चुके हैं, और जब जहां जिसको जैसा मौका मिला उसने उस तरह की वाणी का उपयोग किया है, तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें होंगी, उन घटनाओं को करना उचित नहीं है। फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं कि वाणी के मामले में हमारी भारतीय जनता, काशीराम जी को देखिए आप, हालांकि वो है नहीं, मायावती किस तरह की बातें करती थी, मुलायम सिंह कैसी बात करते थे, लालू जी कैसी बातें करते थे, तो बहुत सारी चीजें हैं, अब उन घटनाओं का जिक्र करना उचित नहीं होगा। वाणी के मामले में दोनों जो हैं, किसी को अपन ये नहीं कह सकते कि इनकी वाणी अच्छी उनकी वाणी खराब है, मौके मौके पर दोनों ने जो है खराब वाणी का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के जब चुनाव हो रहे थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो आप गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो सीधे तौर पर केजरीवाल को ये कहते थे, क्योंकि समय नहीं है तो मिथुन जी की बात भी आ जाए। शुक्ला जी, मिथुन जी एक बात तो, आप यदि जंदेल साहब को वो कर रहे हो, आप उनकी पक्ष ले रहे हो, तो जब उन्होंने ये कहा था कि हारने के पीछे उपचुनाव में कमलनाथ जी का हाथ है, तो आपकी पार्टी ने कहा नहीं, उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा था, दिग्विजय सिंह को आपने चुनाव प्रचार में नहीं उतारा इस कारण हार गए, तो तब आप किनारा कर जाते हो, लेकिन एक बार जब आती है बात आक्रामक होने की और इस तरह के व्यवहार की तो आप पक्ष लेते हो, अभी भी तो किनारा कर सकते थे, एक नई नज़ीर बनती। जो आप बात कह रहे हैं जिस दिन उस पर आप विषय रखेंगे उस दिन भी हम चर्चा कर लेंगे। जो दिव्या जी जो एक बात कह रही थी
कि शिवराज जी एक विनम्र आदमी, हमने कब इस बात से इनकार किया? हम कहते हैं वो विनम्र आदमी है, लेकिन एक मौका उनका भी आया था जब उन्होंने आपा खो दिया था। ये मानव स्वभाव है, कभी कभी ये हो जाता है और हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि उनके शब्द कुछ और हो सकते थे और कुछ और होने चाहिए थे। राजनीति में शब्दों की एक गिरावट आ रही है, जो पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये संयम सत्ता पक्ष विपक्ष तो कैसे रोकेंगे? दोनों दल के प्रमुख नेता ही तो, दोनों दल के जो मुखिया हैं वही तो कोशिश करेंगे, पहल करेंगे, तभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कम होगा। प्रयास सबको मिलकर के करने होंगे, सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। दिव्या जी जी आइए, मैंने कहा आइए एक नई तदबीर बनाते हैं, जहाँ पर हम एक नया एक वातावरण ऐसा सुचारू खड़ा करते हैं, जहाँ पर कम से कम भाषा का संयम तो रखा जाए। कैसे कहते हैं तो दिव्या जी, ऐसा नहीं कि डिबेट से ही शुरुआत की जाए, कि प्रवक्ताओं से ही शुरुआत की जाए, कि हम जब यहाँ चर्चा करेंगे तो भाषा का सही इस्तेमाल करेंगे। चलिए कमलनाथ ना करें, कमलनाथ जी बोला करें। बिल्कुल, चलिए जी दिव्या, सदन होते हैं उसमें माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो कितने माननीय वो ठीक बात है, लेकिन माननीय तो है ही जी। तो ये माननीय से सारे जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं हमारे लिए सब माननीय हैं, और हम चाहते हैं कि वो माननीय हैं तो मर्यादा का भी पालन करें। चूंकि अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह तेरी कमीज से मेरी कमीज उजली है की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी दल नजीर पेश नहीं करना चाहता। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन के बारे में तो आपने भी पढ़ा होगा, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को उनके ही धर्म की किताब जीसस का वाक्य याद दिलाकर उनकी बोलती बंद कर दी थी कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना। लेकिन गांधी का अनुसरण करने वाली कांग्रेस ही शायद ये उपदेश भूल गई है। आखिर क्या वजह है कि हमारे लोकतंत्र में इतनी कड़वाहट बढ़ती जा रही? कौन है इसका जिम्मेदार? एक बार विचार कीजिए, फिर निर्णय कीजिए। क्या ऐसे राजनेताओं को लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाना ठीक रहेगा? मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।